हेलो गाइस, मैं आपका अपना दोस्त भरत छिखारा स्वागत करता हूं आपका आज की एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप सभी सही होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। सो, आज हम बात करेंगे हुंडई वर्ना 2023 के बारे में। BS6 का फेस 2 वेरिएंट है, जो भी आप देख रहे हैं पेट्रोल वेरिएंट है, 1.5 टर्बो है भाई, चीज ये गाड़ी। बाकी आज हम करेंगे इसका स्पीड टेस्ट 0-100, देखते हैं कि कितना टाइम लेती है गाड़ी, कितना टाइम लगता है इसको 0-100 जाने में। तीन मोड है इस गाड़ी में, इको, स्पोर्ट्स एंड पावर, तीनों अलग अलग मोड्स पे जाके हम इसको चेक करेंगे कि किस मोड में कितना टाइम इसको लग रहा है 0-100 जाने में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट हर वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं राउंड वन में हम इसे स्पोर्ट्स मोड पे चेक करेंगे, देखते हैं स्पोर्ट्स मोड में कितना टाइम लग रहा है इसको 0-100 जाने में। इंक्लाइन सरफेस पे भी चेक कर रहे हैं, फ्लैट पे भी चेक करेंगे साथ में, बट अभी फिलहाल के लिए इसको इंक्लाइन पे चेक करते हैं कि स्पोर्ट्स मोड में कितने पावर गाड़ी की लग रही है, 0-100 जाने में कितना टाइम ले रही है गाड़ी को। तो स्टार्ट करते हैं राउंड वन। जबकि चढ़ाई तो चढ़ाई पर थोड़ा सा डिफरेंस आओगा जरूर। तो जैसा आपने देखा कि राउंड वन में इसको 11 सेकंड लगे हुंडई वरना 1.5 टर्बो को 0-100 जाने में, जबकि हम इंक्लाइन सरफेस पे हम चेक कर रहे थे कि कितना ज़्यादा टाइम लगता है, कितना कम टाइम लगता है। बट मेरे ख्याल से यार गाड़ी में पावर बहुत ज़्यादा है, बढ़िया पावर है गाड़ी में, कि इंक्लाइन सरफेस पे भी ना गाड़ी कहीं पर दबाव मान ही नहीं रही है कैसा भी, और भगे जा रही है यार। स्पोर्ट्स मोड में कुछ भी कहो, फील बहुत अलग है इस गाड़ी की और बहुत प्यारी भगती है गाड़ी। बाकी राउंड टू में दोबारा चेक करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं राउंड टू। राउंड टू में हम इको मोड में चेक करेंगे गाड़ी को कि 0-100 जाने में कितना टाइम लगता है। बाकी इस बार हम डिक्लाइन सरफेस पे चेक करेंगे कि अगर हम फ्लाईओवर से गाड़ी को नीचे उतारते हुए कितना टाइम ले रही है गाड़ी। मेरे हिसाब से देखो स्पीड में तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि इंक्लाइन और डिक्लाइन में थोड़ा सा डिफरेंस आता ही है, बट फिर भी अगर चेक करते हैं कि गाड़ी को फिर भी कितना टाइम लगता है इको मोड में 0-100 जाने में। तो हमने कर लिया अब गाड़ी को इको मोड में, स्टार्ट करते हैं राउंड टू। तो जैसे आपने देखा कि इको मोड में 12 सेकंड लग रहे हैं 0-100 जाने में, जबकि डिक्लाइन सरफेस पे हम लोगों ने चेक करा था, तो मे बी अगर फ्लैट सरफेस पे होता तो रिजल्ट कुछ और होता, क्योंकि डिक्लाइन में कहीं ना कहीं गाड़ी की स्पीड थोड़ी और बढ़ी भी जाती है। बट यार इको मोड में भी काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस है गाड़ी की, क्योंकि इको मोड में जनरली चलाते हैं वो लोग हैं जो लाइक जिनको एवरेज गाड़ी की ज़्यादा निकालनी है। स्पोर्ट्स मोड में आपकी टॉर्क ऑन डिमांड वो निकल के आती है, इको मोड में आपकी गाड़ी थोड़ी फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से चलती है, तो वो एक डिफरेंस वहाँ पे रहता है गाड़ी का। बट फिर भी यार 12 सेकंड मेरे हिसाब से बहुत सही टाइम है कि फिर भी कि 12 सेकंड में आपकी गाड़ी 0-100 चली जा रही है। कि अब स्टार्ट करते हैं राउंड थ्री। राउंड थ्री में हम इसे नॉर्मल मोड में चला के देखेंगे कि नॉर्मल मोड में इसको कितना टाइम लग रहा है 0-100 जाने में। राउंड थ्री करते हैं, राउंड थ्री स्टार्ट। तो जैसा आपने देखा कि नॉर्मल मोड में भी वरना को 11 सेकंड लगे हैं 0-100 जाने में फ्लैट सरफेस पे। बाकी यार इसे आप स्पोर्ट्स मोड में चलाओ, इको में चलाओ, नॉर्मल में चलाओ, गाड़ी की पावर कहीं ना कहीं बहुत तगड़ी है कि 11 से 12 सेकंड में आपकी गाड़ी 0-100 पहुंच जा रही है। जैसा आपका एक स्पोर्ट्स मोड में और आपका नॉर्मल मोड में 11 सेकंड लिए, इको मोड में सिर्फ 1 सेकंड ऊपर लगा था, 12 सेकंड लिए थे, तो यार गाड़ी की परफॉर्मेंस लिटरली बहुत तगड़ी है। तो ये था 0-100 स्पीड टेस्ट हुंडई वरना 2023 का 1.5 टर्बो का पेट्रोल का। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ऐसे प्यार बनाए रखें, आपके लिए और नई नई वीडियो हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।